हेलो गाइज, आज का फिर से स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं रेडमी 5A में एक न्यू बीटा अपडेट मिला है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये बीटा स्टेबल अपडेट नहीं है, एक बीटा अपडेट, अगर आप बीटा यूजर हो तो ही आपको अपडेट मिला है। अगर आप बीटा यूजर बनना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको भी हर हफ्ते अपडेट मिलने लग जाएगा बीटा का। तो सबसे पहले मैं आपको अबाउट फोन में जाकर दिखा देता हूँ। तो 9.5.9 का सक्सेसफुली इंस्टॉल है, जिसमें एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच हमें 5वें महीने का देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो सबसे पहले मैं चेंज की बात करें तो सबसे पहले आपको सबसे ऊपर ही जाएंगे तो ऊपर आपको देखने को मिलेगा 4G का जो साइन है वो चेंज हो चुका है, देख सकते हैं। और नेटवर्क भी थोड़ा सा चेंज हो देखने को मिलेगा इस अपडेट में आपको। नेक्स्ट चेंज की बात करें तो नेक्स्ट चेंज आपको देखने को मिल जाता है सेटिंग में। जैसे सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड का ऑप्शन। जैसे इस पे क्लिक कर देते हैं, इस पे क्लिक करने के बाद सीधा ही जाएंगे आप एडिशनल सेटिंग में। एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे लिखेगा लॉक स्क्रीन क्लॉक फॉर्मेट। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपके होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन पे जो भी आपको लॉक स्क्रीन करना है, देख सकते हैं इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं था, जैसे आप ऐसा करना चाहते हैं तो यहाँ पे लॉक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लॉक का स्क्रीन का जो क्लॉक है वो साइड में हो चुका है। तो आप अपने हिसाब से सेंटर में करना चाहते हो सेंटर में कर सकते हैं। तो इस अपडेट में फीचर बहुत है, फीचर की कमी नहीं है इस अपडेट में। और नेक्स्ट चेंज की बात करें तो नेक्स्ट चेंज आपको देखने को मिल जाता है अपने गैलरी के अंदर। जैसे ही अपने गैलरी को ओपन करेंगे तो एक नया इंटरफेस देखने को मिल जाएगा आपको। तो देख सकते हैं ये कुछ इंटरफेस है, इसको आप करना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप इसे जूम करेंगे, दिखा देता हूँ आपको। ऐसे जूम करते हैं, ये ऐसे करते हैं तो इस प्रकार से अपने मंथली के हिसाब से कर सकते हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं था, फिर देख सकते हैं आराम से हो रहा है, पर इसमें थोड़ा बहुत बग लगता है, कई बार ये होता नहीं है। नेक्स्ट चेंज की बात करें तो वो मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है क्योंकि मैं बार बार इंस्टॉल करके आपको नहीं दिखाना चाहता। तो मैंने लूडो को इंस्टॉल किया तो स्कैन का जो ऑप्शन था वो पहले नीचे होता था, लेकिन अब थोड़ा इंटरफेस चेंज कर दिया गया। स्कैन कोई भी चीज़ स्कैन करता है आपको इंस्टॉल होने के बाद, तो ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। लेकिन और जो गैलरी वाला फीचर था उसमें भी कुछ फीचर था जिसके मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था, क्योंकि बार बार वो नहीं आता जिसके कारण मैं अपना मोबाइल रीसेट नहीं करना चाहता या क्लियर डाटा नहीं करना चाहता गैलरी का। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लिया, जैसे आप इसको अपडेट करेंगे तो पहली बार अपने मेन्यू के अंदर जाएंगे तो ये कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा जो आपको गाइड करेगा किस प्रकार से आपको ये करना है, जूम इन जूम आउट। तो ये आपको ये देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट चेंज की बात करें तो नेक्स्ट चेंज बहुत ही बड़ा चेंज किया गया, ये मेरे को फीचर काफी अच्छा लगा और काफी दिनों से इंतजार कर रहा था। तो ये फीचर आपको देखने को मिलेगा अपने सिक्योरिटी ऐप के अंदर। जैसे अपने सिक्योरिटी ऐप में जाएंगे, सिक्योरिटी ऐप में जाने के बाद यहाँ पे जाएंगे आपको गेम बूस्टर मोड का ऑप्शन मिलेगा। जैसे इसको आप करेंगे ऑन तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसे इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो मैं आ चुके सिक्योरिटी ऐप में, वापस ओपन करके दिखाता हूँ आपको गेम बूस्टर मोड। गेम बूस्टर मोड जाएंगे जैसे ही तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस भी देखने को मिलेगा, एक यूनिक चीज देख सकते हैं आप कैसा गेम बूस्टर के देखने को मिलता है। यहाँ पे जो गेम ऐड करेंगे तो यहाँ पे गेम ऐड भी हो जाएगा। अब जैसे इस गेम को चलाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये चालू हो चुका है। अगर आप गेम बूस्टर मोड को पहले से काफी इसमें काफी फीचर ऐड भी कर दिए, जैसे आप स्लाइड करते हैं तो स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे इसको और भी स्लाइड करते हैं तो भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो ये हमने किया इसको ऑप्शन, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे। वाईफाई सेटिंग सारे फीचर यहीं पे आपको देखने को मिल जाएंगे। पहले आपको वाईफाई खोलने के लिए उधर जाना पड़ता था, फेसबुक सारा कुछ यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा। स्क्रीन रिकॉर्डर, स्क्रीन शॉट, बूस्ट मोड, तो सारे फीचर इसके अंदर ऐड कर दिया। तो गेम बूस्टर मोड अब इसको टर्बो मोड कर दिया गया, तो काफ़ी अच्छा गेम में भी आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा इस बार। तो यही कुछ चेंज किए गए थे इस अपडेट में। तो अपडेट काफ़ी अच्छा अपडेट है, बहुत सारे फीचर मिले हैं आपको देखने को मिलेंगे। गेम बूस्टर मोड, गैलरीज, लॉक स्क्रीन, नेटवर्क में कुछ चेंज कर दिया गया, तो सारा कुछ चेंज कर दिया गया इस अपडेट के अंदर। बहुत अच्छा फीचर है, स्टेबल के अंदर कब तक आएगा ये पता नहीं, लेकिन बीटा के अंदर अपडेट मिलता रहता है। देख सकते हैं सेटिंग में सारा कुछ अब बढ़िया कर दिया गया, काफ़ी एडिशनल फीचर मिल जाते हैं। अगर आप बीटा यूजर बनना चाहते हैं तो बीटा यूजर में आपको अपडेट मिलते रहेंगे। तो बीटा यूजर आप बन जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, सीधा ही डाउनलोड पैकेज में जाके इसे इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर हर हफ्ते आपको अपडेट मिलता है, ना कि स्टेबल में ऐसा कुछ नहीं है आपको देखने को नहीं मिलता। तो इसके अंदर हर हफ्ते हर फ्राइडे को आपको एक नई अपडेट देखने को मिलती है। कई जने कमेंट बॉक्स में जरूर बोलेंगे कि ये अपडेट हमको नहीं मिला, वीडियो पूरी देखेंगे तो क्या आप उनको डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर एंड गुड बाय।